नमस्कार विद्यार्थियों, आज का जो विषय है आपके साथ मैं चर्चा करूंगा वह है सत्यनिष्ठा। हम अपने जीवन में कैसे सत्यनिष्ठ बने, आप लोग एक उदाहरण बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे, सुने होंगे दादा दादी नाना नानी से। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, इन्होंने सत्य के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, लेकिन उन सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। वैसे ही दूसरा उदाहरण देखे होंगे आप, किसका? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने भी देश की आजादी के लिए दो प्रमुख हथियारों को अपनाया था। कौन कौन से थे, कोई बताएगा? वे दो प्रमुख हथियार कौन थे? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा के बल पे ही उन्होंने देश को आजाद कराया। तो सत्य निष्ठा का कोई अलग मतलब नहीं है, सत्य निष्ठा का मतलब ही है सत्य और अहिंसा से जो बना, मिलकर बना हुआ पूर्ण हो। गांधी जी ने यही किया, एक सत्य को रखा और एक अहिंसा यानी हिंसा न करना। सत्य निष्ठा इसी को परिभाषित करती है, इन्हीं दो शब्दों से मिलकर कहा जाए तो बनी है। सत्य के प्रति समर्पण ही आप लोगों को भी इसीलिए सिखाया जाता है कि आप जीवन में हमेशा सत्य मार्ग चुने, गलत मार्ग न चुने, सही मार्ग चुने, क्योंकि सही मार्ग पर चलकर ही आपका उज्ज्वल भविष्य बन सकता है। झूठ बोलने से ख्याति तो तुरंत मिल सकती है, लेकिन आगे वह छीन भी सकती है। जो सत्य पे राह पे चलता है वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होता, हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। और जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, सत्य निष्ठा के द्वारा ही हमारे चरित्र का निर्माण होता है, हमारे मन मस्तिष्क में नैतिकता का विकास होता है। तो इसलिए हम सबको और प्रत्येक बालक को अपने जीवन में तो तीन बातें जो हैं हमेशा गांठ पूर्व बांध लेनी चाहिए, गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमेशा जीवन में सत्य बोलेंगे, अहिंसा नहीं करेंगे और अपनी नैतिकता अपने चरित्र को हमेशा संभाल कर रखेंगे। क्योंकि चरित्र निर्माण एक बहुत छोटी काम नहीं है, तुरंत हो गया। चरित्र निर्माण के लिए हमें अपना पूरा जीवन लगाना पड़ता है। तो जो इसका चरित्र उज्जवल होता है उसका उसको जो है हर जगह सम्मान मिलता है। और वह चरित्र कैसे निर्माण होगा, इन्हीं चीज़ों से मिलेगा। जब हम सत्य का पालन करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, भाईचारे का पालन करेंगे, तो ही हमें हमारा चरित्र निर्माण हो पाएगा। इसी को हम सत्य निष्ठा कह सकते हैं कि हमारा जो है उसके प्रति दृढ़ निश्चय जो है, निष्ठा है जो है सत्य के प्रति, वही सत्य निष्ठा है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये समझे होंगे सत्य निष्ठा के बारे में और आप अपने जीवन में इसका पालन हमेशा करते रहेंगे। धन्यवाद।